फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने बातचीत का इस समय जो विषय रखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी आलोचना के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं, और बल्कि ये कहें कि आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत ही उनसे हुई। उनके लेखन को लेकर, उनकी इतिहास दृष्टि को लेकर फेसबुक पर कई मित्रों ने विभिन्न तरीके से अपनी टिप्पणियां लिखी हैं। उनमें वे लोग भी शामिल है जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, वे लोग भी शामिल है जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसमें वे लोग भी शामिल है जो लेखक लेखिकाएं हैं, और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स जो है व्यक्त की हैं, अपने दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया है। मैं उनके सभी के दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं। मेरे एक फेसबुक फ्रेंड हैं, यंग हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी, उन्होंने मुझसे ये अनुरोध किया कि सर आप इस विषय पर जरूर बोलें। तो मैं आपसे कुछ चीजें जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दृष्टि से संबंधित हैं, जिनका आज के मौजूदा दौर के विवादों से बहुत गहरा संबंध है, जो अभी फेसबुक पर उठे, मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं विचार विमर्श के लिए। मैं नहीं कह सकता, मैं आधिकारिक विद्वान नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहां इतिहास के बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं साहित्य के, इतिहास के। मैं तो एक सामान्य शिक्षक हूं और मैंने अपने तरीके से जो मुझसे हो सकता है मैंने काम किया है। लोग आचार्य शुक्ल पर और दूसरे लोगों पर बहस में उलझे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी एक छोटी सी किताब है साहित्य का इतिहास दर्शन, उसे वो पढ़ें, बहुत सस्ती किताब है। हिंदी में बाई चांस की बात है कि दो ही पुस्तकें हैं, एक जमाने में बहुत पहले, आज से करीब 40-50 साल पहले लिखी गई पुस्तक है, और इधर मैंने रिटायरमेंट के जस्ट पहले मैंने लिखी थी, क्योंकि वो मेरा एक कमिटमेंट था, वो मेरे छात्र जीवन का कमिटमेंट था। जब मैं साहित्य का इतिहास दर्शन JNU में रहते हुए पढ़ रहा था तो मेरे सामने ये समस्या थी कि उस पर किताबें नहीं थीं, उस पर कोई सुसंगत दृष्टिकोण से लिखी गई निबंध भी नहीं थे उस समय। तो ये मेरे छात्र जीवन की एक प्रतिज्ञा थी कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं साहित्य के इतिहास दर्शन पर जरूर लिखूंगा। तो वो जो मेरी पुस्तक है साहित्य का इतिहास दर्शन, उस वो पुस्तक असल में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में मैंने साहित्य के इतिहास दर्शन पर जो व्याख्यान दिए थे वो व्याख्यान उसमें संकलित है। तो हो सकता है कि जो लोग विवाद कर रहे हैं उनसे उनको इसमें मदद मिले, लेकिन मैं यहां जो बातें रख रहा हूं उस पुस्तक में, उसमें से कुछ हो सकता है हो और कुछ नहीं भी होंगी, लेकिन वो रखनी जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि आज के जो लेखक की दिक्कत है और आज के जो इतिहास लेखन की जो दिक्कत है उसे 1928-29 के लेखन से हल नहीं कर सकते। आचार्य शुक्ल ने जब साहित्य का इतिहास लिखा तो वे MA के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो नोट्स बनाए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो नोट्स बनाए थे वे नोट्स ही कालांतर में हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में कन्वर्ट होकर सामने आए। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ में ही भूमिका में उन्होंने एक बात लिखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत छोटी सी भूमिका लेकिन उसमें जो काम की बात है। उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर जब भी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाए तो उसे वर्तमान के साथ अपडेट करके पढ़ाया जाए, और इसमें जो नई सामग्री, अगर जो मैंने लिखा है साहित्य के इतिहास में, अगर इसके अलावा कोई नई सामग्री मिलती है तो उसे शामिल करके पढ़ाया जाए। मसलन अगर मुझे आज साहित्य का इतिहास पढ़ाना होगा तो क्या मैं आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण से ही पढ़ा पाऊंगा? नहीं। 1928-29 के बाद और 2020 तकरीबन 80-90 साल गुजर चुके हैं
और इस 80-90 साल में बहुत कुछ ऐसा साहित्य सामने आया है जो आचार्य शुक्ल के सामने था ही नहीं। जो लोग साहित्य के इतिहास पर बहस कर रहे हैं, आचार्य शुक्ल के बारे में बहुत गंभीर आलोचनाएं हो सकती हैं, हमने भी लिखी हैं, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आचार्य शुक्ल के योगदान को आप खारिज नहीं कर सकते। आचार्य शुक्ल का जो योगदान है वो अनपैरेलल है, उसकी कोई तुलना नहीं है। एक बुनियादी चीज जो कि जेहन में रखनी बहुत जरूरी है सभी के लिए, साहित्य के इतिहास का वर्तमान से संबंध है। वर्तमान उसकी इतिहास दृष्टि का नियामक तत्व है, अतीत नहीं। अगर मैं आज पढ़ाऊंगा साहित्य का इतिहास तो आज का जो वर्तमान है वह उसका नियामक होगा। हमेशा इतिहास वर्तमान की दृष्टि से देखा जाता है और लिखा जाता है और बताया जाता है। तो 2020 में मैं 1928 की दृष्टि से नहीं पढ़ा सकता और लिख सकता, वो चाहे जिसने लिखा हो। किसी भी इतिहास केंद्र में पहली चीज होती है उसके युग के विचारधारात्मक संघर्ष, वे उसकी इतिहास दृष्टि के निर्माण में केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। आचार्य शुक्ल जब इतिहास लिख रहे थे या इतिहास पढ़ा रहे थे एमए के विद्यार्थियों के लिए, जिसके नोट्स बनाए उन्होंने, तो उनके सामने सबसे बड़ा विचारधारात्मक संघर्ष क्या था? उनके युग का सबसे बड़ा विचारधारात्मक संघर्ष था पुनरुत्थानवाद की तरफ जाओगे या उदारतावाद की तरफ जाओगे। दो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र को प्रभावित किया। एक थे दयानंद सरस्वती, जिनके आर्य समाज के आंदोलन ने हिंदी भाषी क्षेत्र को प्रभावित किया, और दूसरे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके साहित्य ने हिंदी जगत को प्रभावित किया और खासतौर पर साहित्य को प्रभावित किया। दयानंद सरस्वती का यह दृष्टिकोण था कि वे हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं की भूमिका को एक सिरे से अस्वीकार करते थे, खाली बोली हिंदी के महत्व को मानते थे खाली। दयानंद सरस्वती के लिए भक्ति आंदोलन की कोई पॉजिटिव भूमिका नहीं थी। दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान था हिंदी को जनप्रिय बनाने में। दयानंद सरस्वती के व्याख्यानों ने, दयानंद सरस्वती के स्त्री उद्धार के कार्यों ने हिंदी भाषी क्षेत्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हिंदी भाषा को जनप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दयानंद सरस्वती और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों समकालीन थे, दोनों में सिर्फ 2 वर्ष का फर्क था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका थी उस पत्रिका के संपादक मंडल में दयानंद सरस्वती का भी नाम था। इससे पता चलता है दोनों में, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण मिलते नहीं थे। आचार्य शुक्ल के सामने यह चुनौती थी कि जब साहित्य का इतिहास लिखें तो वह दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण से लिखा जाएगा या भारतेंदु हरिश्चंद्र के दृष्टिकोण से लिखा जाएगा। ये जिस डिबेट की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इस डिबेट का कहीं जिक्र शुक्ल जी ने इतिहास में नहीं किया है। जब आप किसी भी इतिहासकार की इतिहास दृष्टि पर विचार करेंगे तो पहली चीज है उसके युग के विचारधारात्मक संघर्ष और उन संघर्षों के संदर्भ में उसकी पोजीशन। दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि साहित्य के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए और मनोरंजन के लिए नाटकों की कोई भूमिका नहीं होती। वे नाटकों को बहुत नेगेटिव नजर से देखते थे। नाटक करने वालों को वे कहते थे कि ये भड़ुआ समाज के लोग हैं, आर समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, सनातनी हिंदुओं के साथ में शास्त्रार्थ करते हुए जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक में एक अनटचेबल बुक्स की लिस्ट दी उन्होंने
और उस अनटचेबल बुक्स की लिस्ट में, यानी जो पुस्तकें नहीं पढ़ी जानी चाहिए, उनमें सबसे पहली पुस्तक थी रामचरितमानस तुलसीदास का। आप यह संदर्भ ध्यान रखिएगा। दूसरा यह कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भूमिका थी उसे ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल के शुरुआत में नाटक ही लिखे, यह संयोग की बात है। क्यों है यह, कभी मौका लगेगा तो हम डिटेल्स में बात करेंगे। सारी दुनिया में आधुनिक काल के साहित्य की शुरुआत हुई है जेनर के तौर पर उपन्यास से, तमिल में हुई है, तेलुगु में हुई है और दूसरी भाषाओं में हुई है, लेकिन हिंदी एक विरल भाषा है जिसमें आधुनिक काल के साहित्य की शुरुआत होती है नाटकों से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गहरी आस्था थी वैष्णव संप्रदाय के उदारवादी दृष्टिकोण में। यह वह आइडियोलॉजिकल अंतर्विरोध है और टकराहट है उस युग की, जो कि पूरे हिंदी भाषी जगत के इंटेलिजेंसिया को प्रभावित किए हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने अपना पक्ष चुना। आचार्य शुक्ल 2020 में पक्ष थोड़े ही चुनने आएंगे अपना। आचार्य शुक्ल ने 1928 में अपना पक्ष चुना और जब वो साहित्य का इतिहास लिखने गए तो साहित्य के इतिहास के केंद्र में उन्होंने रामचरितमानस और तुलसी को रखा। इसलिए नहीं रखा, उसका कोई आइडियोलॉजिकल मूल्यांकन करना चाहते थे। चॉइस बहुत क्लियर थी। दयानंद सरस्वती पुनरुत्थानवाद की धाराओं को रिप्रेजेंट करते थे। आचार्य शुक्ल ने पुनरुत्थानवाद की धारा के साथ जुड़ना जरूरी नहीं समझा। अब जान लीजिए, पुनरुत्थानवाद के गर्भ से ही सांप्रदायिकता निकली है। जो लोग बहुत हल्के ढंग से रामचंद्र शुक्ल पर जूतियां उछाल रहे हैं फेसबुक पर, जिनकी कोई औकात नहीं है, वे जरा आर समाज के ऊपर एक लेख लिख के दिखाएं पहले अच्छे से, बातें बाद में होंगी। जिस समय दयानंद सरस्वती ने रामचरितमानस को और तुलसीदास को अनटचेबल बुक्स घोषित कर दिया, रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इतिहास दृष्टि का आधार रामचरितमानस को बनाया और यह बहुत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि वे इसके जरिए 19वीं शताब्दी में आए हुए पुनरुत्थानवाद को खारिज कर रहे थे, उसकी इतिहास दृष्टि से अपने को अलग कर रहे थे। आप हिंदी साहित्य का इतिहास उठाइए, कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट पर है, वो फ्री में है, पैसे से खरीदने की जरूरत नहीं है। hindisamay.com जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, उस पर रामचंद्र शुक्ल की रचनावली पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसमें शुक्ल जी का इतिहास भी आप उठा के देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने का सबसे बड़ा योगदान जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा योगदान यह है कि पहली बार इतिहास की नींव रखी गई पुनरुत्थानवादी इतिहास दृष्टि को खारिज करते हुए, यह उनका सबसे बड़ा योगदान है और यह ताकत है हमारी। उस जमाने में एक और साहब हुआ करते थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने कई वॉल्यूम में हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से साहित्य लिखा और आपकी परंपरा का मूल्यांकन करके दिया उन्होंने। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी जो पुस्तक लिखी, जो कि अवेलेबल है, उस पुस्तक में इतिहास दृष्टि का आधार बनाया धर्म को। और साहित्य में मिस्टिक को, आज जो ये पूरे झगड़े चल रहे हैं ना धर्म के, साहित्य से धर्म को जोड़ने के, जो सांप्रदायिक ताकतें हर विश्वविद्यालय में लगाए हुए हैं,
और हिंदी के प्रोफेसर जो है उसमें लगे हुए हैं, एक अच्छा खासा तबका लगा हुआ है उसमें। आचार्य शुक्ल का यह महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने एक तरफ दयानंद सरस्वती के पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण को खारिज किया और दूसरी तरफ ग्रियर्सन का जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था जिसमें साहित्य को धर्म से जोड़ा गया था, उस दृष्टिकोण को खारिज किया। तो आचार्य शुक्ल को कहां रखेंगे आप? आचार्य शुक्ल को सांप्रदायिक कहेंगे आप? हिंदी में कितने ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने ग्रियर्सन के इतिहास की आलोचना लिखी है? हिंदी में कितने ऐसे प्रोफेसर हैं? और उस जमाने में एक और चीज थी, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज ने भाषाओं को धर्म से जोड़ा। ये जो हिंदी हिंदुओं की भाषा, उर्दू मुसलमानों की भाषा, ये किसने जोड़ा? ये फोर्ट विलियम कॉलेज ने। और बताने की जरूरत नहीं कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। उसकी विरासत अभी भी हमारी जड़ों में घुस गई है, ये जहर हमारे जड़ों में अभी भी घुस गया है जो फोर्ट विलियम कॉलेज ने फैलाया था कि भाषा का धर्म से संबंध होता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय इन तीनों ही दृष्टियों को खारिज किया। एक चौथा और दृष्टिकोण था, पॉपुलर था और अभी भी है, वो दृष्टिकोण क्या था? हिंदी संस्कृत की बेटी है। हिंदी किसकी बेटी है? संस्कृत की बेटी है। आचार्य शुक्ल का इतिहास उठाइए, बस कुछ मत करिए, खाली एक बार मेरे कहने से पढ़ जाइए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं को संस्कृत की बेटी के तौर पर कहीं चित्रित और प्रस्तुत नहीं किया। यह रिवाइवल इनके खिलाफ में बहुत बड़ी लड़ाई थी। आज भी हमारे यहां सामान्य लोग, उनके कॉमन सेंस में यह चीज है कि हिंदी संस्कृत की बेटी है। हिंदी संस्कृत की बेटी नहीं है। हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों और भाषाओं में से एक बोली थी जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने जब इतिहास का निर्माण किया तो उस इतिहास के निर्माण के समय जो इतिहास दृष्टि चुनी, वहां एक तरफ वे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से जो साहित्य दृष्टि निर्मित की गई थी उसका वो विरोध कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो पुनरुत्थानवादी लोग जो साहित्य के प्रति नया नजरिया पेश कर रहे थे उसका विरोध कर रहे थे, और उन्होंने एक लोकतांत्रिक उदारवादी दृष्टिकोण पेश किया। ये गलती होगी, ये गलती होगी। साहित्य का इतिहास लिखते समय उन्होंने साहित्य की विधा को धर्म से नहीं जोड़ा। साहित्य को मिस्टिक से नहीं जोड़ा, ध्यान लीजिए आप, जो ग्रियर्सन की लाइन थी। हमारे यहां तो हालत यह है कि जरा सा वाइस चांसलर हाथ रखता है तो सारा का सारा आइडियोलॉजिकल जो है ना तेवर बदल जाता है प्रोफेसर साहब का। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के समय में, वो भी बीएचयू में, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का विरोध करने के लिए एक आदमी इतिहास की पुस्तक लिख रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए। अरे आपकी तो हालत यह है कि अगर वाइस चांसलर बुला के कह देता है कि आरएसएस के लोग ये चाहते हैं और ऐसा पढ़ाइए, तो आप तत्काल क्लास में वैसा ही पढ़ाने लगते हैं। आपके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है। और आप रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि पर सवाल उठा रहे हैं, यानी सूप बोले से बोला चलनी भी बोले जिसमें 7200 छेद। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि का बुनियादी आधार है हिंदी भाषी क्षेत्र की
बोलियां और भाषा और उनका साहित्य, और उस बोलियों और भाषाओं के साहित्य को उन्होंने जनता से जोड़ा, न कि धर्म से। और यह बहुत बड़ी चीज है, इसे समझने की जरूरत है। हल्के ढंग से न लें हम लोग। अगर मौका लगा तो मैं रामचंद्र शुक्ल की कमियों का भी जिक्र करूंगा, लेकिन यह बहुत बड़ी ताकत है, इसे कम करके न देखें। दयानंद सरस्वती हल्के व्यक्ति नहीं थे, दयानंद सरस्वती की ताकत थी, उनके रिफॉर्म मूवमेंट की ताकत थी। उनके साथ, उनके सामने खड़े होना, उनके उस दृष्टिकोण की आलोचना करना और उसके आधार पर एक नए वैकल्पिक दृष्टिकोण से साहित्य का इतिहास लिखना एक साधारण काम नहीं है, जबकि आपके सामने कोई इतिहास का ग्रंथ मौजूद नहीं था। वो पहली किताब है, ग्रंथ पहली किताब है। एक और चीज है, थोड़ा सोचिए आप लोग, मतलब ये जरूरी है। आप साहित्य का इतिहास उनका उठाइए और देखिए, उन्होंने बाकायदा जितने पृष्ठ मध्यकाल पर खर्च किए हैं, आदिकाल पर खर्च किए हैं, उतने ही पृष्ठ उन्होंने आधुनिक काल पर भी खर्च किए हैं। बाकायदा संतुलन से काम किया है उन्होंने अपने तरीके से। उनके पास में जो सामग्री थी वही उसका आधार है। उनके पास सामग्री कौन सी थी? उनके पास सामग्री वह थी जो कई जिल्दों में मिस्टर बंधु विनोद का जो इतिहास तैयार हुआ था, वही उनके सामने बुनियादी सामग्री थी। दूसरी चीज जो इतिहास के लिए बहुत जरूरी थी, उन्होंने इतिहास को नामावली और इतिवृत्तों के दायरे से बाहर निकाला कि इतिहास पढ़ाते समय, इतिहास लिखते समय इतिहास का एक परिप्रेक्ष्य होता है, इतिहास दृष्टि होती है, इस चीज को रेखांकित किया। पहले दृष्टि नहीं होती थी, इतिहास दृष्टि तो जानते ही नहीं थे आलोचक। वो पहला काम है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और बहुत जल्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक अन्य चीज जो कि बहुत जरूरी चीज है वो ये कि लगातार ये जो लोग, अरे दलित साहित्य की डिबेट अभी आई है सामने, आप उम्मीद कर रहे हैं कि दलित साहित्य पर सबसे ज्यादा रामचंद्र शुक्ल ने क्यों नहीं लिखा? अब मैं अगर दलित साहित्य पढ़ाना चाहूं आज की डेट में, तब मैं देखूं राम इतिहास को कैसे बनता है। साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती है वीरगाथा काल से, और वीरगाथा काल में जिन चारणों को चुना है, जिनकी रचनाओं को चुना है, वे चारण सवर्ण जाति के नहीं है। साहित्य के इतिहास में मध्यकाल की शुरुआत होती है कबीर से, और कबीर सवर्ण नहीं है। यह अन्याय किया उन्होंने, जो गैर दलित लेखक थे उनको बाकायदा जहां उनका दर्जा बनता था इतिहास में, वहां उन्होंने उसको प्लेस किया। इसके बावजूद प्लेस किया कि वे बहुत सारे निर्गुण कवियों को कवि ही नहीं मानते थे। उसका कारण क्या था? दूसरा जो इतिहास दृष्टि का जो पैराडाइम है, जहां से इतिहास दृष्टि बनती है लेखक की, एक है उसका आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जो कंटेम्प्रेरी, दूसरा है सामयिक साहित्य और उसकी दृष्टि। आचार्य शुक्ल जिस समय साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, उस समय छायावाद का आंदोलन चल रहा था और वो अपनी जवानी पर था। तो आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि पर छायावादी साहित्य दृष्टि का गहरा असर है। छायावाद की कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, सोचिएगा। उत्तर मैं दे रहा हूं आपको, आपसे मैच कर जाए तो बस मैं पास, नहीं तो फेल। छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कल्पना। पहली बार कल्पना को केंद्र में रख के रचना लिखी गई, कल्पना पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। तो आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि के ऊपर कल्पना का बहुत गहरा असर है। तब साहित्य के इतिहास में जब 800 साल के साहित्य को उन्होंने छांटना, खगारना,
सेलेक्ट करना शुरू किया तो वो किस आधार पर किया? कल्पना के आधार पर। जो रचना कल्पना को स्पर्श करे उसे तो उन्होंने साहित्य माना, और जो कल्पना को स्पर्श नहीं करे रचना उसे साहित्य नहीं माना। जाहिर है कि निर्गुण पंथियों के यहां कल्पना कम थी, विचार ज्यादा थे, तो निर्गुण पंथियों के बारे में उनका दृष्टिकोण एकदम अलग था। सगुण पंथियों के बारे में उनका दृष्टिकोण एकदम अलग था, क्योंकि सगुण पंथियों में, खासतौर पर तुलसी में, कल्पना जो है वो अपने एकदम पूरे जोश में और पूरी ऊंचाई पर है। तो ये इतिहासकार की कोई मनमानी उसके नहीं है उसमें। इतिहासकार मजबूर है, अगर वहां छायावाद है तो छायावाद से छायावाद की दृष्टि उस पर असर डालेगी। दोष किसका है? दोष हमारा है क्या? हम उसे सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। सो प्लीज आचार्य शुक्ल को बख्श दो, यह सच इतिहास में उर्दू को शामिल नहीं किया, लेकिन यह सच है कि उन्होंने हिंदी के इतिहास में जो चीज शामिल की है वो बहुत मूल्यवान है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। अंग्रेजों के आने के पहले जो अष्टछाप के कवि थे, जिन अष्टछाप के कवियों का उन्होंने जिक्र किया है, सिर्फ एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको, उन अष्टछाप के कवियों में गुसाइयों से ऊपर जानते हैं जिन कवियों का नाम है वे सब शूद्र हैं। और उन शूद्र कवियों की जो स्थिति है और हैसियत है वो गुसाइयों से ऊपर है। और इसे कौन लिख रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप बस खाली नाम में शुक्ल देख लिया और आपने साहित्य देखा ही नहीं। अरे आपने कभी कृष्णदास और नंददास के ऊपर लिखा होता तो पता चलता कि आप दलित साहित्य को कितना जानते हैं। आपने कभी ढंग से वीरगाथा काल के चारण कवियों को भी पढ़ा होता तो समझ में आती कि आप दलितों के लेखन को कितना जानते हैं। दलितों के साहित्य की परंपरा 1980 से शुरू नहीं होती, दलितों के साहित्य की परंपरा शुरू होती है वेद व्यास से और वाल्मीकि से। वेद व्यास और वाल्मीकि जिन्होंने दो एपिक लिखे, ये दोनों के दोनों दलित थे। ये ब्राह्मण नहीं थे, ये सवर्ण नहीं थे। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे हम लोग। साहित्य की आलोचना में इनको सिरमौर करके रखा गया है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे दलित आलोचक हैं जिनके पास में अनैतिहासिक दृष्टि है। उनका मानना है जब से दलितों ने लिखना शुरू किया है और वो आधुनिक लेखकों ने, तब से दलित साहित्य शुरू हुआ है, उसके पहले दलित साहित्य था ही नहीं। अब इस बेवकूफी का तो कोई अंत नहीं है। ये तो वो टिटहरी वाली बात हो गई जो कि पैर ऊपर करके रहती थी और पूछा तो लोगों ने कहा कि मैं तो आकाश को संभाले हुआ, अगर पैर नीचा कर लूंगी तो आकाश गिर पड़ेगा। नहीं, आचार्य शुक्ल पहले आलोचक हैं जिन्होंने कि दलित लेखकों को मध्यकाल में प्रॉपर प्लेस दिया। आचार्य शुक्ल पहले इतिहास लेखक हैं जिन्होंने हर लेखक की कास्ट बाकायदे इतिहास में मेंशन की। कोई साहित्य में एकमात्र जानते हैं कौन है? एकमात्र रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंधों में साहित्यिक रचनाओं के लिखते समय, साहित्यिक करेक्टर्स को विश्लेषण करते समय कास्ट बार बार रेफरेंस के तौर पर आती और किसी के यहां नहीं आती। अब ये संयोग की बात है कि एक तरफ आचार्य शुक्ल हैं और एक तरफ रविन्द्रनाथ हैं। लड़ाई किससे हो रही है? आचार्य शुक्ल के इतिहास की दृष्टि की लड़ाई किससे हो रही है? रिवाइवलिज्म से, दयानंद सरस्वती के रिवाइवलिज्म से। जिस दयानंद सरस्वती ने आर समाज की स्थापना की, वह आर समाज 1920 के बाद लगातार सांप्रदायिक होता चला गया। यह रिकॉर्ड है, सारे हिस्टोरियंस ने लिखा है इस पर। आचार्य शुक्ल साहित्य का इतिहास लिख रहे 1928-29 में आरएसएस का जन्म हो चुका था।
अगर वो आरएसएस से प्रभावित होते और आर्य समाज के सांप्रदायिक दृष्टिकोण से प्रभावित होते तो कभी ये ना लिखते। और सब लोग जानते हैं कि बीएचयू में आरएसएस का दबदबा शुरू से रहा है, डे वन से रहा है। सो आचार शुक्ल की इतिहास दृष्टि को इतने सतही ढंग से नहीं लेना चाहिए। कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है कि वहां एक खास तरह का सिलेक्शन है, और वो सिलेक्शन इसलिए है क्योंकि वहां जो रचनाएं सामने थी मिस्टर बंधु विनोद और दूसरे जो कलेक्शन उनके सामने, उसके आधार पर उन्होंने अपनी इतिहास दृष्टि बनाई। एक अन्य चीज, दूसरे आलोचक हैं हमारे यहां जिनके के इतिहास ग्रंथ भी हैं जो महत्वपूर्ण है। अच्छा, हरीशप्रसाद द्विवेदी, आचार्य हरीशप्रसाद द्विवेदी के जो इतिहास दृष्टि है, जो एक पुस्तक है उनकी, हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने के 10 साल, तकरीबन 10 साल के बाद 1938-39 इसके आसपास वो पुस्तक आई है, और वो भी शांति निकेतन में जो गैर हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए वो लिखी गई थी। आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण की सीमा कह सकते हैं आप, वो यह है कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के संदर्भ में ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। आचार्य हजारीसा द्विवेदी उनसे 2 कदम आगे जाते हैं और वे कहते हैं कि अगर अब साहित्य का इतिहास लिखा जाए और पढ़ाया जाएगा तो भारतीय परिप्रेक्ष्य की जरूरत है और भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य की जरूरत है। और वे ऐसा क्यों कहते हैं? वे इसलिए कहते हैं कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिशील साहित्य आंदोलन का जन्म हो चुका था। प्रगतिशील साहित्य एकमात्र ऑल इंडिया साहित्य आंदोलन था, छायावाद सिर्फ हिंदी तक सीमित था। प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के केंद्र में विचारधारा थी, इसलिए हजारीसा द्विवेदी ने अपनी इतिहास दृष्टि का आधार बनाया कबीर को, तुलसी को नहीं। क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी जो लिटरेरी मूवमेंट था पीडब्ल्यूए का, प्रगतिशील साहित्य आंदोलन, उसका की धुरी थी आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो विचारधारा के दृष्टि से मध्यकाल में सबसे पावरफुल पोएट कौन है? कबीर। और साहित्य जब पढ़ाया जाएगा तो किस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा, किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाएगा? वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाएगा। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। यानी हम 1928-29 में जहां से शुरू हुए, हम 38-39 में उससे और 2 कदम आगे गए। सो साहित्य के इतिहास पर इतने हल्के ढंग से और सतही ढंग से बातें नहीं करनी चाहिए, और वो उन लोगों को अच्छा एकदम नहीं लगता मुझे ये कहने में। आचार्य शुक्ल के सामने हिंदी साहित्य में स्त्री साहित्य की या दलित साहित्य की कैटेगरी ही नहीं थी, तो वहां जबरदस्ती उनसे ये उम्मीद करें कि वो दलित साहित्य पर क्यों नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने इस कैटेगरी पर क्यों नहीं बात की, ये तो नाजायज होगा, एकदम नाजायज होगा। सवाल ये, क्या नए सिरे से दलित साहित्य लिखते समय, दलित साहित्य का इतिहास लिखते समय आचार्य शुक्ल के इतिहास से कोई मदद मिल सकती है? मिल सकती है, मिल सकती है, सकता है बहस का। आचार्य शुक्ल ने जहां ग्रियर्सन के दृष्टिकोण को चुनौती दी, वहां पुनरुत्थान भाई दृष्टिकोण को भी चुनौती दी, और फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा जो बनाई गई जो भाषा दृष्टि थी उसको भी चुनौती दी। और यह साधारण काम नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि आजादी के बाद 70 साल हो गए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने करोड़ों रुपए खर्च किए हिंदी साहित्य के इतिहास के तमाम किस्म के प्रोजेक्टों और प्रकल्पों पर, लेकिन आचार्य शुक्ल का अभी विकल्प वो नहीं लिख पाए, बना पाए। क्यों? किसी ने रोका है? बहुत सारी पुस्तकें हैं इतिहास की, लेकिन वो आचार्य शुक्ल के पैराडाइम के आगे बेकार हैं, क्योंकि उनमें कोई नई सामग्री नहीं है।
मेरी एक व्यक्तिगत धारणा है, हो सकता है गलत हो, ईश्वर करे मैं गलत हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आचार्य शुक्ल जब इतिहास लिख रहे थे तो साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा दबाव आपकी स्मृति पर था। साम्राज्यवाद सबसे ज्यादा जनता की स्मृति का अपहरण करता है, उसे विस्मृत करता है, उसे विकृत करता है। सो स्मृति की खोज में, और जिसे हम लोग भारत की खोज कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में एक यह भी चलन था कि हर भाषा में लोग अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को खोज रहे थे, भाषा में, साहित्य में, संस्कृति में, राजनीति में, दर्शन में भारत की खोज कर रहे थे। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी की खोज भी कर रहे थे लोग। तो ये उस बड़ी जो प्रक्रिया थी अपनी पहचान की खोज की, उस पहचान की खोज के क्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। और इसलिए भी लिखा गया क्योंकि हमें अपनी स्मृति को और अपने इतिहास को बचाना था, अपनी परंपराओं को बचाना था, क्योंकि उसके विकृतिकरण का खतरा सामने था। फोर्ट विलियम कॉलेज और जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह खतरा पैदा किया। जब देश में लोकतंत्र आ गया और लोकतांत्रिक सरकार आ गई और संविधान लागू हो गया, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं नहीं कह सकता कि कितनी ये मदद करेगी ये, लेकिन मेरी राय है ये कि लोकतांत्रिक समाज में इतिहास लिखने की, साहित्य के इतिहास लिखने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती जितनी आलोचना लिखने की जरूरत महसूस होती है। इसलिए आप देखें आजादी के बाद लगातार आलोचना बहुत लिखी गई, जिसे यह कहा गया कि यह भी साहित्य के इतिहास का अंग है। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म तो लिख सकते हैं, इतिहास नहीं लिख सकते। नामवर सिंह ने कोशिश की, बस इतिहास दृष्टि पर ही टिप्पणी करके छोड़ दिया, बाकी आलोचना खूब लिखी, जो कि वो कहते हैं कि ये भी आलोचना भी इतिहास का अंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामविलास शर्मा ने 100 के करीब किताबें लिखी, 150-125 के करीब किताबें राहुल शंकरत्यान ने लिखी, रांगे राघव ने लिखी, लेकिन साहित्य का इतिहास नहीं लिख पाए, क्योंकि साहित्य का इतिहास डेमोक्रेसी में फिजिकली संभव नहीं है, संभव नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं क्यों संभव नहीं, आप इससे समझ सकते हैं। उस समय तो यह था कि जो उपलब्ध है उसको आपने कैटेगराइज कर दिया, आज कैसे कैटेगराइज करेंगे? आज कोई तरीका है आपके पास में कैटेगराइज करने का? उपन्यासों को कैटेगरी बनाने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। डेली साल में कम से कम 100-150-500-1000 उपन्यास आ जा रहे हैं, हर सप्ताह हर जगह हर अखबार में एक कहानी छप रही है, आप कहानी के बारे में कैसे छापेंगे, कैसे लिखेंगे? आचार्य शुक्ल के सामने यह समस्या नहीं थी, आचार्य शुक्ल के सामने समस्या थी साहित्य और साहित्य के इतिहास की। लेकिन आचार्य शुक्ल के बाद में दूसरे मीडियम पैदा हुए जिन्हें हम जनमाध्यम कहते हैं, कई विधाएं जनमाध्यम और मास मीडिया में विकसित हुई और पल्लवित हुई। आज की डेट में अगर साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो वह साहित्य की उस कैटेगरी के तहत नहीं लिखा जाएगा जिस कैटेगरी को आचार्य शुक्ल ने बनाया था। आज साहित्य का इतिहास लिखते समय आप यह नहीं कह सकते कि हम तो कहानी पर तो लिखेंगे लेकिन सीरियल पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सीरियल की भी तो कहानियां हैं ना, क्यों नहीं लिखेंगे आप, क्यों नहीं शामिल करेंगे? आप नागार्जुन को एक कवि के तौर पर साहित्य के इतिहास में शामिल करेंगे, लेकिन शैलेंद्र को क्यों नहीं शामिल करेंगे? शैलेंद्र की कविताएं जो लाखों करोड़ों लोग गाते हैं, जो काव्य की कसौटी पर एकदम खरी उतरती हैं, आप उन्हें शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर शुक्ल के दृष्टिकोण से काम लेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि शुक्ल जी ने जनमाध्यमों में या मास मीडिया में प्रकाशित विधाओं के साहित्य को शामिल नहीं किया। यही वजह थी कि वो देवकीनंदन खत्री को उपन्यासों को उपन्यास नहीं मानते थे, बाजारू उपन्यास थे, लेकिन वे साहित्य का हिस्सा हैं। आज जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि वह साहित्य का हिस्सा है। मैं आज अपने विद्यार्थी को जब पढ़ाने जाऊंगा महत्वपूर्ण है, उतने ही शंकर शैलेंद्र के गीत भी महत्वपूर्ण है,
मैं ये नहीं कह सकता शंकर सलिंदर चूंकि राज कपूर की फिल्मों के लिए गाने लिखे थे इसलिए बेकार हैं वो, नहीं, फिल्मों के लिए लिखे गए गाने भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो पत्रिकाओं में छपे हुए गीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। आचार्य शुक्ल जब लिख रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट टेक्नोलॉजी और उससे निकली हुई विधाएं ही शामिल थी और वही केंद्र में थी। लेकिन आचार्य शुक्ल के इतिहास के आने के बाद बड़े पैमाने पर सिनेमा आया, बड़े पैमाने पर बाद में टेलीविजन आया, उसके बाद में अब साइबर टेलीविजन आया, तो जाहिर है कि साहित्य का दायरा तो बड़ा होगा। एक और चीज, आचार्य शुक्ल के जमाने में पत्र पत्र थे, पर्सनल चीज थी वो, लेकिन आचार्य शुक्ल के बाद तो पत्र एक जेनर बन गया। रामलला शर्मा ने जब निराला की साहित्य साधना लिखी और वह प्रकाशित हुई, उस किताब के आने के पहले तक हिंदी के लोग पत्रों को एक जेनर के तौर पर नहीं देखते थे, लेकिन वो अब जेनर है क्योंकि उसमें एक रचनावली में एक खंड ही पूरा पत्रों का था। उसी तरह जिस तरह से आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय भारतेंदु के नाटकों में व्यंग को एक शैली माना, लेकिन 47 के बाद में हरिशंकर प्रसाई ने इतना जानदार व्यंग लिखा कि शैली को एक जेनर में बदल दिया। आज व्यंग शैली नहीं है बल्कि जेनर है, विधा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आज शुक्ल जी को पढ़ाया जाएगा, शुक्ल जी के दृष्टिकोण से चीजों को देखा जाएगा, तो आज जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी इतिहास दृष्टि के केंद्र में जो कंटेम्प्रेरी जो साहित्य आंदोलन है वे उसके केंद्र में होंगे, वे मेरी इतिहास दृष्टि बनाएंगे। अगर आज हिंदी साहित्य में स्त्री साहित्य का जोर है और स्त्रियां ज्यादा लिख रही हैं, उनका साहित्य पढ़ा जा रहा है, वह छप रहा है, तो इतिहास दृष्टि के केंद्र में स्त्री और उसकी दृष्टि को लाना होगा, इतिहासकार की दृष्टि पर उसका असर होगा। मैंने अपनी एक पुस्तक में स्त्रीवादी साहित्य विमर्श जो पुस्तक है उसमें विस्तार से इस चीज को डील किया है। हिंदी में किसी और ने डील नहीं किया इसे। मैंने बाकायदा हिंदी के और संस्कृत के साहित्य के, संस्कृत साहित्य के 19वीं शताब्दी तक के पूरे स्त्री लेखन को केंद्र में रखे उसमें लिखा है जो औरतों ने लिखा है। क्योंकि आज जब मैं पढ़ाऊंगा साहित्य का इतिहास और आज जब मैं साहित्य की इतिहास दृष्टि की बात करूंगा तो मेरे केंद्र में निश्चित तौर पर औरतें होंगी, औरतों का लिखा हुआ लेखन होगा। मैं जब आज पढ़ाऊंगा तो मेरे केंद्र में दलित होंगे, दलितों का लेखन होगा। तो साहित्य की इतिहास दृष्टि वही नहीं होगी जो शुक्ल जी की थी, वो बदलेगी। वो बदलेगी कहां से, आप देखते कहां से हैं। आप स्त्री की जमीन से खड़े होकर देख रहे हैं या दलित की जमीन से खड़े होकर देख रहे हैं। राम के सामने स्वाधीनता आंदोलन की जमीन थी, वहां से खड़े होकर वो देख रहे थे और अपने युग के विचारधारात्मक संघर्षों को देख रहे थे। उन संघर्षों की रोशनी में आप आज की स्थितियों को नहीं देख सकते, उससे सीख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। उससे यह सीखना जरूरी है कि आप ये देखिए कि आपके दौर में जिसमें आप पढ़ा रहे हैं कौन सी साहित्य, कौन सा साहित्य, दलित साहित्य या स्त्री साहित्य या साहित्य इन जनरल, कौन सी चीज पॉपुलर है। आखिरी चीज और बहुत जरूरी चीज, साहित्य की विधाओं की कैटेगरी और साहित्य की अवधारणा वही नहीं रह गई है जो साहित्य की अवधारणा और कैटेगरी जो है आचार्य शुक्ल के जमाने में थी, बदल चुकी हैं। क्योंकि पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में जा चुके हैं। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि का निर्माण हुआ था प्रिंट रेवोल्यूशन के संदर्भ में और आज हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेवोल्यूशन के संदर्भ में और उससे भी आगे अब इंटरनेट के संदर्भ में। आज जब इतिहास दृष्टि बनेगी तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी जिसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, आज की इतिहास दृष्टि का आधार है हाइपर टेक्स्ट, जो कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का सबसे विकसित आगे बढ़ा हुआ रूप है। और टीवी को भी पीछे छोड़ा है। सो प्लीज कृपा करके
साहित्य की इतिहास दृष्टि पर बात करते समय कम से कम अपने संदर्भ को तो देख लो ठीक से। ये तो देख लो कि हम में से कितने लोग जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट के संदर्भ में साहित्य का इतिहास कैसे बनता है और लिखा जाता है और पढ़ाया जाता है। ये तो सीख लो कम से कम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सीख लो। ये कहना बहुत आसान है कि उर्दू पर नहीं लिखा, दलित पर नहीं लिखा, मुसलमानों पर नहीं लिखा, यह कहना बहुत आसान है, क्योंकि यह प्रश्न ही नहीं है। वहां प्रश्न यह है कि ग्रियर्सन के साथ जाओगे, दयानंद सरस्वती के साथ जाओगे, या भारतेंदु हरिचंद की परंपरा में जाओगे। आचार्य शुक्ल ने दयानंद सरस्वती और ग्रियर्सन की परंपरा को छोड़कर भारतेंदु की परंपरा से अपने को जोड़ा और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतेंदु हरिचंद की परंपरा उदारवादी साहित्य की परंपरा है। आप हिंदुस्तान में उदारवाद को चाहते हैं या अनुदारवाद को चाहते हैं, या हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद को चाहते हैं आप? जो लोग साम्राज्यवाद को चाहते हैं वे लोग लगातार भाषा को धर्म से जोड़ते रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने भाषा को धर्म से नहीं जोड़ा और यह बहुत बड़ी ताकत है उनकी। आचार्य शुक्ल ने आर्य समाज के पूरे पुनरुत्थानवादी प्रोजेक्ट को खारिज किया। यह पुनरुत्थानवाद का प्रोजेक्ट ही कालांतर में सांप्रदायिकता की जमीन उसने तैयार की, आइडियोलॉजिकल बेसिस तैयार किया। इस दृष्टि से अगर आचार्य शुक्ल की ताकत का एहसास होगा, आपको नया लिखने से किसी ने नहीं रोका, जी भी नहीं रोकते, कोई नहीं रोक रहा। क्यों नहीं लिख रहे हैं लोग, क्यों नहीं लिख रहे हैं इस बात को? किसने रोका है कि दलित की इतिहास दृष्टि क्या होती है बताने से? किसने रोका है स्त्री की इतिहास दृष्टि क्या होती है बताने से? क्यों नहीं लिख रहे हैं लोग? ये जिम्मेदारी अब हमारी रह गई। मलाइक हैं आप, ठेके सारे लें आप साहित्य के, साहित्य के प्रोजेक्ट लें आप, और बताएंगे हम नहीं। कोरे थोते दावे साहित्य में बंद होने चाहिए। यह इंटरनेट का युग है, जानते हैं, सारे लोग समझ जाते हैं, सारी चीजें सहज भाव से अवेलेबल हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि लोग बताएं। मेरी पुस्तक बाजार में है, पिछले 15 साल से बाजार में है। स्त्री की इतिहास दृष्टि क्या होती है बताएं, लिखकर बताएं, करें आलोचना।